एक और सवाल है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मेरा सवाल ये है कि प्रेगनेंसी में तबीयत बहुत ख़राब रहती है तो क्या 5 वक्त की नमाज में सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ सकते हैं? ये किसी बहन का सवाल है कि हमल की हालत में, प्रेगनेंसी में तबीयत बहुत ख़राब रहती है तो सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ें, सुन्नत आगे पीछे की सुन्नत सुनने रवातिब ना पढ़ें तो क्या चल जाएगा? देखिए, अगर कभी कभार नहीं पढ़ते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो सुनने रवातिब हैं जहाँ तक हो सके उसे तर्क नहीं करना चाहिए। अगर उठना बैठना मुश्किल है तो कम से कम बैठ के पढ़ लें, कम से कम बैठ के पढ़ लें, लेकिन वो तर्क नहीं करना चाहिए। ये सुनने रवातिब हैं, ये आम सुन्नत नहीं है। फिर भी अगर किसी ने तर्क कर दिया बीमारी की वजह से तो हम ये नहीं कहेंगे कि गुनाह है। अगर वाकईतन बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, बहुत दिक्कत की बात है और सिर्फ फ़र्ज़ पर इक्तफा कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसी हालत में, प्रेगनेंसी की हालत में, वो भी आखिरी अय्याम में, तो इंशाल्लाह इसकी गुंजाइश है, इस पर इंशाल्लाह कोई गुनाह नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी अजीमत का सबूत देना चाहिए और किसी तरह, चाहे बैठ कर या लेट कर, किसी तरह से हो सके तो वो पढ़ ही लेना चाहिए जो सुनने रवातिब है। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा।